हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में बात करते हैं हम लोग 2019 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में। यहाँ आपको इससे पहले हम नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ सामान्य जानकारी बता दें। तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। और अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 2 अक्टूबर 1833 में स्वीडन में हुआ, और इन्होंने डायनामाइट की खोज की 1867 में, और इनका निधन हुआ जो 10 दिसंबर 1896 में। यहाँ आपको बता दें कि अक्टूबर माह में इन लोगों को नॉमिनेट किया जाता है और दिसंबर माह में वितरण किए जाते हैं पुरस्कार। और एक विषय में, एक साल में, एक विषय, एक वर्ष में, एक विषय में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है ये पुरस्कार। याद रखिए। और आपको बता दें, भौतिक रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति के नोबेल प्राइज 1901 से दिए जा रहे हैं, और अर्थशास्त्र का जो नोबेल प्राइज है इसे 1969 से दिया जा रहा है। चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य और अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाएंगे। जो शांति का हमारा नोबेल प्राइज है ये ओस्लो नॉर्वे में दिया जाएगा, दिए जाते हैं। अब बात करते हैं, हम 2019 की बात करें तो इससे पहले आपको बता दें इस बार नामों की घोषणा हो चुकी है। इस बार आपको बता दें कुल 15 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। अब 10 दिसंबर को होने वाले समारोह में इन सभी शख्सियतों को नोबेल प्राइज और मेडल व उनसे संबंधित जितनी राशि है वो दी जाएगी। अब 2019 के विजेताओं की बात करें तो पहले हमारे चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार विजेताओं को देखते हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में अमेरिका के विलियम कैनन कैलिन, गेजग सेमेंजा और ब्रिटेन के पीटर रेडक्लिफ को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। इन्होंने ऑक्सीजन की उपलब्धता समझने और उसके अनुकूल बनने की कोशिकाओं की क्षमता तलाशी है। इससे कैंसर के इलाज के नए तरीके ढूंढने में मदद मिलेगी। तो याद रखिए, अमेरिका के विलियम केलिन हैं, फ्रैंक गेजक सेमेंजा और वह बैटन के हैं पीटर रेड क्लिप। अब रसायन विज्ञान की बात करते हैं तो रसायन विज्ञान में जिन लोगों को 2019 में दिया गया, इस साल जॉन बी गुडनफ और स्टैनली विटिंगम, अकीरा यूसिनो को नोबेल मिलेगा। तो आपको बता दें जॉन बी गुडनफ ये जर्मनी के हैं, स्टैनली विटिंगम ये यूके के हैं, और अकीरा यूसिनो ये हैं जापान के। इन तीनों ने मिलकर लिथियम आयन बैटरी विकसित की थी। इन बैटरियों का इस्तेमाल आज अंतरिक्ष से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों व रोजमर्रा की चीजों के बड़े स्तर पर हो रहा है। अच्छा, अब भौतिक शास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेताओं को देखते हैं हम लोग। भौतिक शास्त्र में विजेता रहे हैं कनाडा जेम्स फीवेल्स, ये कनाडा अमेरिका के मूल निवासी, कनाडाई मूल के अमेरिकी हैं। फिर हैं अपने स्विट्जरलैंड के माइकल मेयर और डिडियर क्यूलोज हैं, ये भी स्विट्जरलैंड के हैं। को इस क्षेत्र को नोबेल दिया जाएगा। इन्होंने अपने काम के जरिए दुनिया को समझाया है कि बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड का विकास कैसे हुआ है।
तो याद रखिए जेम्स पीवल्स हैं, कनाडाई मूल के अमेरिकी हैं, और माइकल मेयर हैं ये स्विट्जरलैंड के हैं, डिडियर क्यूलोज हैं ये भी स्विट्जरलैंड के हैं। अब साहित्य के नोबेल पुरस्कार की बात करें हम तो आपको बता दें 2018 में साहित्य का नोबेल प्राइज किसी को नहीं दिया गया था, तो 2018 और 19 का दिया गया है इस बार दोनों लोगों को। देखते हैं हम लोग 2019 और 18 का साहित्य नोबेल पुरस्कार की घोषणा एक साथ हुई है। 2019 का पुरस्कार पीटर हैंडके को मिला है जो ऑस्ट्रेलियाई मूल के लेखक हैं। पीटर को भाषा में नवीनतम प्रयोगों के लिए पुरस्कार दिया गया, जबकि लेखिका के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाने वाली ओल्गा टोका रजुक को 2018 का नोबेल दिया गया है। आपको बता दें कि 2018 का फ्लाइट मैन बुकर पुरस्कार भी मिला था ओल्गा जी को। अब बात करते हैं अगला नोबेल प्राइज, अब बात करते हैं हम लोग शांति के नोबेल प्राइज के बारे में, जिन लोगों को शांति में दिया गया है, एक ही लोग को दिया गया है इसमें, ये इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद को शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार उनके देश के चिर शत्रुओं शत्रु इरिटिया के साथ सीमा संघर्ष सुलझाने के लिए दिया गया है। तो याद रखिए शांति का मिला है अबी अहमद को, इथोपिया के प्रधानमंत्री को, इथोपिया के नेल्सन मंडेला भी कहा जाता है ना अबी अहमद को, अबी अहमद को। तो अब बात करते हैं हम लोग अर्थशास्त्र में जिन लोगों को दिया गया उनके बारे में, देखते हैं हम लोग तो अर्थशास्त्र में दिया गया है भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी और उनकी पत्नी एस्थर डफलो और माइकल क्रेमर को वैश्विक गरीबी खत्म करने के प्रयोग के उनके शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, एस्थर डफलो हैं इनकी पत्नी वो फ्रांसीसी मूल की अमेरिकी हैं, और माइकल केमर हैं जो यूएसए के हैं। ठीक है, अभिजीत बनर्जी फिलहाल मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। उन्होंने 1981 में कोलकाता यूनिवर्सिटी से बीएससी की बीएससी और 1983 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से एमए, फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की, और वह उनकी पत्नी डफलो अब्दुल लतीफ जमील प्रॉपर्टी एक्शन लैब के संस्थापक भी हैं। तो चलिए इसमें हमने देख लिया है नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम और उन्हें जिस क्षेत्र में दिया गया है उस क्षेत्र को भी देख लिया है। चलिए तो हम इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं।